दरभंगा शहर के सीएम साइंस कॉलेज के निकट स्थित मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के छात्र छात्राओं ने टाउन हॉल के निकट से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि विश्व हेपेटाइटिस डे पर इस बीमारी के प्रति लोगों को कैसे सतर्क किया जाए ताकि वो इस बीमारी की चपेट में आने से पहले ही बच सकें। इसको लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथ में तख्ती लिए जेपी चौक, खानका चौक आदि रास्तों से गुजरते हुए लोगों को लगातार इससे बचाव के उपाय बताते रहे। इस रैली का नेतृत्व संस्थान के मार्केटिंग निदेशक शाहिद अथर और प्रबंधक तनवीर इमाम ने किया। रैली आप लोग निकाले हैं, कहां से निकाले हैं और क्या मकसद है इस रैली को निकालने का? देखिए, ये रैली हमारा मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के तरफ से निकाला गया है और टाउन हॉल के पास से शुरू किया गया है। आपको बताएं कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस नियर द सीएम साइंस कॉलेज टाउन हॉल के टाउन हॉल जो है वो मोइन कॉम्प्लेक्स में है। ये आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर लोगों को जागरूकता करने के, लोगों को बताने के लिए रैली निकाला गया कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक्चुअली लीवर की खराबी है, इसके हो जाने से बॉडी का जो है कोशिका वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से लीवर होता है। इसका बचने का तरीका है कि आप खाने पीने पर ध्यान रखें, ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाएं, ज़्यादा फास्ट फूड आइटम से परहेज करें और सफाई का खास ख्याल रखें, जिससे नहीं तो ये इन्फेक्शन की जैसी बीमारी होती है, फीवर वगैरह होता है, उसके बाद लीवर डैम हो जाता है जिससे आपको नुकसान होता है। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद अथर, डायरेक्टर मिथिला टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस। जी बेटा, आज ये रैली निकाल रहे हैं आप लोग, क्या मकसद है इसका रैली का? आज हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस। जी, फास्ट फूड खाने से और हम लोग जो फास्ट फूड खाते हैं और साफ सुथरा नहीं रहते, उसकी वजह से कोई बीमारी, कोई बैक्टीरिया हम लोग के अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से हमारा लीवर स्वेल हो जाता है, हम लोग की हेपेटाइटिस होती है। इससे हम लोग को बचने के लिए एक्सरसाइज करें, साफ सुथरा रहें, ज़्यादा फैटी चीज ना खाएं और यही सब करके हम अपने आप को सेफ करके रखें। क्या नाम हुआ? शालिनी। ये आज हेपेटाइटिस डे है, इस पर आप लोग रिलीज है। आज हम लोगों को कुछ भी खराब खाना नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश। कहाँ पढ़ती हो? MITMS में, मिथिला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल साइंस। आज हेपेटाइटिस डे पे आप लोग एक रैली निकाला, क्या मकसद? हेपेटाइटिस डे आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, उसी पे जो है आज रैली निकाला गया है। जी सर, ये आज आपके इंस्टीट्यूट के तरफ से एक रैली निकाली गई हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर, क्या मकसद है इसका? हमारा मकसद, इन बच्चों का मकसद जो मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस से पढ़ रहे हैं, उनका मकसद समाज में जागरूकता लाना है कि हेपेटाइटिस एक कॉमन बीमारी है जिससे लीवर इफेक्टेड होता है और लीवर इफेक्ट होने की वजह से वो काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। तो उनका मकसद है, ये क्यों होता है, इसके लिए उनको पब्लिक में अवेयरनेस लाना। लीवर से एक्चुअली हेपेटाइटिस होता है जिसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर की बीमारी है, जो कि कॉन्टेमिनेटेड फूड लेने की वजह से कोई भी एक्सटर्नल एलियन पार्टिकल बदन में आ जाता है जिसकी वजह से लीवर अफेक्टेड हो जाता है। तो जो कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है वो वायरल हेपेटाइटिस है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जाए, इस रैली का मकसद उसके लिए उससे बचाव का अवेयरनेस लाना है। ये कहाँ से निकाले और कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जी, हमारा ये सीएम साइंस कॉलेज के पास इंस्टीट्यूशन है, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, वहाँ से ये टाउन हॉल के पास से ये रैली शुरू हुई है और भटियारी सराय होते हुए हम वापस अभी अपने इंस्टीट्यूट को ही वापस जाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम तनवीर है और मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस के मैनेजर।